नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं स्निग्धा रितेश। आज के कार्यक्रम में आप जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, साथ ही प्राकृतिक गुणों से संपन्न नीम और खेती में इसके प्रयोग के बारे में। लेकिन सबसे पहले खबरें खेती की। दुग्ध उत्पादन में हुई 6.3% की वृद्धि। सिक्किम में बनेगा राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान। चीनी उत्पादन 2.7 करोड़ टन से अधिक। और सरसों की नई किस्म पूसा मस्टर्ड 30। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। खेती किसानी, कृषि विज्ञान और सरकारी योजनाओं से जुड़े समाचारों के सेगमेंट खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत ने दुग्ध उत्पादन में विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए 6.3% की वृद्धि दर्ज की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि भारत ने दुग्ध उत्पादन में विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले 6.3% की वृद्धि दर्ज की है। श्री सिंह ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश में पहली बार दुग्ध उत्पादन में 6.3% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि विश्व में दुग्ध उत्पादन में औसतन 2.2% की वृद्धि ही दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। देश के कृषि क्षेत्र में डेयरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय सकल उत्पादन में इसकी सहभागिता 3.9% की है। दुग्ध उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हम आज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 302 ग्राम दूध की उपलब्धता कराने में सक्षम हुए हैं, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों से भी ज्यादा है। श्री सिंह ने दुग्ध उत्पादन में और अधिक बढ़ोतरी के लिए देसी गायों के और अधिक संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है। सिक्किम को पूर्ण जैविक खेती राज्य घोषित होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य घोषित किए जाने के बाद इस राज्य में जैविक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। श्री सिंह ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 27वीं आम सभा की बैठक में गंगटोक सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान यानी NOFRI बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह संस्थान देश में सामान्य तौर पर विशेषकर पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में जैविक उत्पादन प्रणाली की पृष्ठभूमि में अनुसंधान और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। संस्थान पैदावार बढ़ाने, संसाधन के इस्तेमाल की क्षमताएं, उत्पादन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से दीर्घकाल तक चलने वाली जैविक खेती प्रणाली के लिए बुनियादी कार्यनीति संबंधी और अनुकूलन अनुसंधान करेगा। इसके अलावा यह संस्थान देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को व्यावसायिक एवं उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन, मानव शक्ति और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2015-16 में चीनी उत्पादन 2.7 करोड़ टन से अधिक होने का अनुमान है। चीनी उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन यानी ISMA के अनुसार वर्ष 2015-16 में चीनी उत्पादन 2.7 करोड़ टन से अधिक होने का अनुमान है। ISMA के अनुसार वर्ष 2014-15 के चीनी मौसम में करीब 2.83 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जो घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस साल गन्ने की उपज कम रहने के कारण चीनी उत्पादन में कमी आ रही है। ISMA के अनुसार पिछले साल अपर्याप्त बारिश के कारण गन्ने की खड़ी फसल पर बुरा असर पड़ा था। ISMA ने अपने पहले अग्रिम अनुमान में पिछले साल के 2.83 करोड़ टन के मुकाबले 2.7 करोड़ टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। इस सीजन में चीनी उत्पादन में कमी होने के बावजूद इसके निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है। ISMA के अनुसार चीनी मिलें इस साल पहले ही 7-8 लाख टन चीनी निर्यात करने के लिए करार कर चुकी हैं। सरकार ने चालू वर्ष में 32 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है। देश के अधिकांश हिस्सों में चीनी मिलों द्वारा पेराई शुरू होने से चीनी के दाम भी नियंत्रण में बने रहने की उम्मीद है।
हमारे देश के तिलहन उत्पादन में सरसों सोयाबीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। सरसों की नई विकसित किस्म पूसा मस्टर्ड 30 अधिक पोषक व अल्प मात्रा में एरोसिक अम्ल के साथ ही उच्च पैदावार देने वाली किस्म है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुवांशिकी संभाग के वैज्ञानिकों ने सरसों की नई सेहतमंद किस्म विकसित की है। इस किस्म के सरसों में पाए जाने वाले एरोसिक अम्ल की मात्रा 2% से भी कम है, जो पहले 40% की थी। नई विकसित किस्म में विभिन्न लाभकारी पोषक तत्वों के साथ ही नुकसानदायक वसीय अम्ल की मात्रा बहुत कम है। इस खूबी की वजह से यह सरसों किस्म विशेष है। इसमें स्वास्थ्यकर एरोसिक अम्ल का प्रतिशत महंगे जैतून के तेल के बराबर है। इसके अलावा ओलिक, लिनोलिक, इकोसेनोइक जैसे आवश्यक और लाभकारी पोषक वसा अम्ल अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार से कम एरोसिक अम्ल वाली सरसों की किस्म पूसा 30 का तेल मूंगफली, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन, ताड़, मक्का, बिनौला, नारियल, कनोला आदि तेलों से ज्यादा सेहतमंद है। इस किस्म के तेल को वैज्ञानिक दृष्टि से भी संपूर्ण तेल माना गया है। पूसा मस्टर्ड 30 को लोकप्रिय बनाने के लिए इसकी खेती करने वाले किसानों को 100 किलोग्राम के उपज पर 300 से 500 रुपए अतिरिक्त मूल्य देने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी और कृषि परामर्श। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर के भाग जैसे सिक्किम, असम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। देश के निचले व तटवर्ती इलाके कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के अधिकांश भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे व कुछ स्थानों पर छुटपुट बरसात हो सकती है। देश के मैदानी भागों पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। किसान भाइयों, खेती से संबंधित समाचारों का आज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। खेती किसानी और कृषि जगत से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए देखते रहें कृषि दर्शन। कार्यक्रम में वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे नीम कैसे जैविक खेती की दिशा में उपयोगी हो सकता है। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
प्रकृति ने हमें नीम जैसे पेड़ के रूप में एक अनोखा उपहार दिया है जिसमें कई तरह के गुण पाए जाते हैं। इस समय देश में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है और नीम इस दिशा में लाभकारी हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। नीम, जी हाँ, नीम। नीम प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जिसका हर भाग गुणों से भरपूर है। नीम की पत्ती, फल यानी बीज और इसका तना, इसका हर भाग न केवल जीवों के लिए उपयोगी है बल्कि ये सब खेत के लिए भी बेहद लाभकारी होते हैं। खेत की मिट्टी में नीम की खाद के प्रयोग से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और फसल में कीटों के लगने की संभावना भी कम होती है। नीम का प्रयोग खेतों के लिए हर तरह से वरदान साबित होता है। आजकल देश में जैविक खेती को बढ़ाने की बात हो रही है, ऐसे में नीम के अवयवों का प्रयोग हर मायने में खेतों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। नीम एक बेहतर कीटनाशक भी है, ऐसे में इससे बने उत्पादों का खेतों में छिड़काव कीटों को नष्ट करने में प्रभावी साबित होगा। कीड़े बीमारियां हमारी फसलों में लगते रहते हैं, परंतु जब उपचार की बात आती है तो हम उपचार जानने के लिए कई बार विशेषज्ञों के पास जाते हैं, कई बार टेलीफोन का उपयोग करते हैं, कई बार पत्र लिखते हैं, लेकिन उपचार होता है हमारे अपने घर के आसपास ही, हमारे अपने खेत में। और मैं बात करना चाहता हूँ नीम की, तो नीम का कीड़े बीमारियों के नियंत्रण में कैसे उपयोग किसान भाई कर सकते हैं, घर पर किस प्रकार से इसका कीटनाशक बना सकते हैं, तो आज इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह। आप कीट विशेषज्ञ हैं, तो आज जानकारी करते हैं किसान भाइयों और बहनों कि नीम से कीटनाशक बना करके और कैसे फसलों को अपन बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, नीम पे वार्ता करने की बात है तो नीम में हम बताना चाहेंगे मित्रों, वैसे तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि नीम चूँकि हमारे आसपास ही रहता है, हर गांव में नीम के पौधे आपको मिल जाते हैं, लेकिन अभी जो परिदृश्य चल रहा है वो नीम के पौधे धीरे धीरे हमारे गांव से, हमारे कस्बों से वो ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग इसकी महत्ता को भूलते जा रहे हैं। तो अभी ये बहुत ज़रूरी है कि हम नीम के उपयोग के बारे में आपको थोड़ा सा चर्चा करें यहाँ पर, जिससे कि आप नीम के सारे उपयोग, जैसा कि जानते हैं कि नीम के एक औषधीय पौधा है और उसके सभी भागों का हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ आजकल बाज़ार में भी आप देखिए, बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो नीम पर आधारित तमाम प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से हमको आपको लुभाने का लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम तो इसको बहुत अच्छी तरह से अपने घरों में, जो हमारे मेन, जो हमारे मुख्य शत्रु हैं हमारे फसलों के लिए, जिससे हमारी खेती पिछड़ती जा रही है, कीड़े बीमारियों का प्रकोप होता जा रहा है, तो उसमें हम नीम का कैसे प्रयोग करें, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं नीम के जिससे आप बना सकते हैं और बड़ी आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो बहुत से उत्पाद नीम के आपको बाज़ार में भी उपलब्ध हैं, विभिन्न नामों से उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें आपके जेब का पैसा ज़्यादा जाएगा और शायद उस तरह का आपको जो है वो परिणाम ना मिले। डॉक्टर साहब, आपने नीम की इतनी खूबियाँ तो गिना दी, लेकिन किसान भाई इसका उपयोग कीड़े बीमारी को रोकथाम में किस प्रकार से कर सकते हैं, जरा बताइए। इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किस तरह से हम उपयोग करें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, नीम के जो दो तीन जो उसके अंदर जो अवयव होते हैं, जैसे एजाडिरक्टिन एक वो है इसका तत्व है, और एक सेलेनिन करके तत्व पाया जाता है, ये कीटनाशक का काम करता है। और कीटनाशक ही नहीं, हम फफूंदी नाशक का भी, जो हमारे सूत्र क्रीम लगते हैं उनके नियंत्रण के लिए भी, जो हमारे वायरस हैं उनके नियंत्रण के लिए भी नीम, मतलब ऐसा आपके पास ही वो पौधा और ऐसा चीज़ उपलब्ध है कि हमको बहुत बाज़ार के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर नीम का प्रयोग करें, और जैसा अभी आजकल समन्वित कीट प्रबंधन की बात चल रही है, समेकित नाशी जीव प्रबंधन की बात चल रही है, या हम जो परंपरागत कृषि है उसके तरफ हम अग्रसर हैं, आज 21वीं शताब्दी में जब हम बढ़ रहे हैं, तो परंपरागत कृषि, सतत कृषि, इन चीज़ों का अब जो शुरुआत हुई है,
तो इसमें जो हमारे सारे चीज़ें हैं, जो जैसे नीम है, जो हमारे और औषधीय पौधे हैं, उनको हमको जानना पड़ेगा कि आखिर वो पुराने जो वैदिक हमारे ज्ञान हैं उनको किस तरह से हम अपने आधुनिक विज्ञान में शामिल करें कि जिससे दोनों चीज़ों का समन्वय हो सके। और हमेशा अच्छा समन्वय आप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो जो नीम है, जो हमने उसका तत्व बताया आपको, एजा डायरेक्टिन है, वो जैसे जो आपके कीड़े हैं उनको पूरी तरह से ऐसे नष्ट नहीं करता, उनको क्या करता है कि जैसे खाने के लिए उनको रोक देता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका कपास का पौधा है, आपका बैंगन का पौधा है, या कोई फल वृक्ष है, आम है, आपका नींबू है और बेर है, इस तरह के पौधे हैं, और उसमें अगर कीड़े का प्रकोप हो रहा है और आप अगर नीम पे आधारित जो हमारे उत्पाद हैं उनका छिड़काव आप करते हैं, तो ये कीड़ों को, जो कीड़ों की सूंडी होती हैं, उनको खाने से रोकता है। मतलब कोई भी जीव है जो हमेशा अच्छा खाना पसंद करता है, पर नीम में चूँकि तीखापन होता है, उसका जो एजा डायरेक्टिन जो तत्व होता है वो उसमें तीखापन लाता है, और वो अगर आप छिड़काव कर देंगे तो कीड़े को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता और वो खा नहीं पाता है। कि कीड़े, जैसे आप जानते हैं कि कीड़े विभिन्न अवस्थाओं में अपना जो है वो परिवर्तित करते रहते हैं, अपनी अवस्था परिवर्तित करते रहते हैं, तो ये ऐसा तत्व है कि अगर उस पर छिड़काव हो जाए तो वो अपनी अवस्था भी नहीं परिवर्तित कर सकते। यानी अगर वो जो नर कीट हैं, वो मादा कीट, वो अंडे अगर दे दिया है उन्होंने पौधे पर, तो वो उनसे उनकी सुंडियों का विकास नहीं हो पाता, वो वहीं वो अवस्था जो है वहीं ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये है कि जैसे हमेशा जो भी, जैसे जब हमारा अंडे बच्चे देने की बात होती है तो हमेशा मादा जो है वो अच्छे स्थान को चयन करती है, परंतु अगर ये छिड़काव हो जाता है तो अंडे देने में भी उनको दिक्कत होने लगती है, वो अंडे भी देने से इतर होती हैं, वहाँ नहीं अंडा देना पसंद करती, तो दूसरा इस तरह से हो जाता है। फिर उनके में कुछ ऐसे हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं उनके शरीर में कीड़ों के, जिससे कि वो जो है वहाँ से तुरंत हटना चाहते हैं, और वहाँ से कुछ दिन में, 4-5 दिन में जो है वो भूखे अवस्था में रहने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए पूरी जो उनका जीवन चक्र है वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये नीम की सबसे बड़ी खासियत है और इसको हमको जानना होगा, तभी हम इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो साथियों, सरल भाषा में हम समझें तो तीन बातें खास तौर से डॉक्टर साहब ने बताई कि नीम कीटनाशी जो होता है कीड़ों को, फसलों को खाने से रोकता है, इनके जीवन चक्र को तोड़ देता है, और तीसरा उनको दूर भगाने में कामयाब है। तो इस प्रकार से तीन फायदे मुख्यतः हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये आता है कि क्या बाज़ार से कीटनाशक लाके उपयोग करें या घर में भी बना सकते हैं? तो इसमें किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बाज़ार में तो बहुत से उत्पाद नीम के इस समय उपलब्ध हैं, पर किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप नीम का ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हर घर में एक नीम का पौधा रहे, 10 साल में वो आपको बिल्कुल बड़ा हो जाता है और सारे जितने उसके जो उत्पाद हैं वो आपको मिलने लगते हैं, तो अच्छा ये होगा। क्योंकि आजकल हम अपने लागत को कम करना चाहते हैं, लागत कम करके अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं जिससे हमें आय में वृद्धि हो। तो लागत आपका कम तभी होगा जब अपने जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उनको आप जानें। नीम, अब जैसे गांव में मैंने देखा है कि जो भी निबौली है वो गिरती है और लोग उसे झाड़ के फेंक देते हैं, तो इतना मतलब वो है, इतना मतलब प्राकृतिक ये अच्छी दवा है कीड़ों बीमारियों के विरुद्ध जो है, तो इसको हमें संजो के सहेज के रखना चाहिए। जैसे हम 1 किलो निबौली का मतलब ये होता है कि जो आपके पके फल जब गिरते हैं उनको आप इकट्ठा करिए, उनको धुल लीजिए, जो लसलसा पदार्थ होता है ऊपर की पीली पत्तियाँ होती हैं उनको साफ़ कर लीजिए और किसी छायादार स्थान में उसको सुखा लीजिए। सुखा के और उसका जो ऊपर का उसका जो छिलका है कड़ा वाला, उसको आप निकाल लीजिए और उसको जो अंदर की गूदी है उसको आप इकट्ठा करके रख लीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में या कहीं, और उसके बाद उसको आप हमेशा साल भर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बनाने का तरीका ये है कि 1 किलो नीम की गूदी आप लीजिए, उसको अच्छी तरह से कूट लीजिए और एक कपड़े की पोटली बना लीजिए, करीब 1 किलो गूदी उसमें लेते हैं निबौली, और उसको जो है 20 लीटर पानी में आप डुबा के 24 घंटे रख लीजिए। रखने के बाद जब उसमें से पोटली आप निकालेंगे तो आप देखेंगे पूरे पानी का रस जो है वो सफ़ेद जैसा हो जाएगा, सफ़ेद रंग का हो जाएगा, तो उस पोटली को अच्छी तरह से जो है आप उसमें निचोड़ लीजिए जिससे कि उसका सारा रस जो है उसमें आपके पानी में आ जाए। वो आपका उत्पाद तैयार है, अब उसको आप
एक एकड़ पानी में, एक एकड़ खेत के लिए करीब 200 से 250 लीटर पानी में आप मिला के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, निवोली की उपलब्धता तो कुछ समय ही रहती है, लेकिन पत्तियां तो वर्ष भर उपलब्ध रहती है, तो क्या पत्तियों से भी नीम कीटनाशक बनाया जा सकता है? पत्तियों से जहाँ तक उत्पाद बनाने की बात है कि नीम आधारित उत्पाद हम बनाएं अपने लेवल पे, तो इसमें आप कुछ 4-5 हाथ से पत्तियां आप तोड़ लीजिए और करीब 1 लीटर पानी में आप डाल के और उसको 3 दिन तक एक कपड़े से उसको ढक दीजिए, किसी बर्तन में ढक के और आप रख दीजिए। उसके बाद हल्का सा उसको गर्म करके 2-3 मिनट और उसके बाद इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी असरदार रहता है। इसके भी आप, इसके अलावा जैसे नीम का तेल भी मिलता है, वो भी आप नीम के तेल निबौली से प्राप्त करके करीब 2 मिलीलीटर नीम के तेल को 1 लीटर पानी में मिलाकर और इसके साथ चिपचिपा पदार्थ ज़रूर मिला देते हैं कि जिससे जो है ये पत्तियों पर गिरे ना, क्योंकि ये तैलीन इसका वो स्वभाव होता है, तो इसमें कुछ साबुन का घोल जो है 4 से 5 ग्राम मिला के और सारे नीम उत्पाद का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो नीम में जैसा मैंने बताया कि इसमें जो है आप आजकल जो हम कीट व्याधि प्रबंधन में जो हमारे पास दिक्कतें आ रही हैं वो ये है कि पूरा रसायन फैल गया है हमारे कृषि में, तो इसको हमको दूर करना है, तो इसके विकल्प हमें तलाशने हैं और जिसके लिए सबसे अच्छा विकल्प जो है वो नीम है। अगर हम इसको अपने खाद्य उसमें फसल चक्र में लाते हैं तो निश्चित रूप से हमको एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी, क्योंकि आज जो है पूरा विषाक्त हो गया है हमारा जो फसल उत्पादन है या जो भी हम कृषि की कल्पना कर रहे हैं वो पूरी तरह से विषाक्त हो गया है, क्योंकि हरित क्रांति के दौर में हमने ज़्यादा से ज़्यादा रसायन छिड़काव किया, तो अब ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे इन चीज़ों को कम करें और हमारा उत्पादन भी उसी हिसाब से बढ़ता रहे जिससे उत्पादन में कोई कमी ना आए और हम जैविक कृषि की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो इसमें नीम का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है अगर किसान भाई इसको अपनाएं तो। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर साहब का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि हमारे किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए, किसान बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषि दर्शन DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषि दर्शन DD और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषि दर्शन DD। भेजे हमें मेल kshidarshandd@gmail.com पर। देखा आपने कैसे नीम की खेती न केवल हमें कई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, बल्कि नीम में पाए जाने वाले गुणों को हम खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कृषि से जुड़ी नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।